परेशान हो गए। घबराने या खौफजदा होने की जरूरत नहीं, ये हकीकी फायरिंग की आवाजें नहीं है, बल्कि लाहौरियों ने अपने जज्बा जनून की तस्कीन के लिए एक नया शुगल इजाद किया है। सड़कों पर नजर आते इन मंचले नौजवानों ने अपनी मोटरसाइकिलों पर ऐसी साइंस अप्लाई की है कि शहर की जिस सड़क का भी रुख करें वहाँ ठाठा की आवाजें गूंजने लगती हैं। अपनी मोटरसाइकिल को रेडीमेड गन की तरह फायरिंग के लिए लोड करवाकर इससे ठाठा करना कोई पेचीदा साइंस नहीं जनाब, बस मोटरसाइकिल में सिर्फ एक नया प्लग डलवाएं और जरा सा ढीला रहने दें, बस फिर क्या है, आपकी मोटरसाइकिल रेस देने के बाद इग्निशन ऑफ करने पर ऐसे राउंड चलाएगी कि सुनने वालों की समातों पर हकीकी फायरिंग का गुमा गुजरे ही गुजरे। एक तरफ अगर शौक के हाथों बेचैन ये मन चले हैं तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी के हाथों यरगमाल बने आम शहरी। शहरियों का कहना है कि पुलिस अंधी तो थी ही मगर अब लगता है वो बहरी भी हो चुकी है, क्योंकि मंचलों की मोटरसाइकिलों की ठाठा की आवाजें सुनकर तो मुर्दे भी जाग उठे, मगर पुलिस के शेर जवान न जाने कौन सी बूटी पीकर सो रहे हैं। जो ही लोग बाहर निकलते हैं अपनी फैमिली के साथ ये ठाठा करते हुए गुजरते हैं, ऐसा लगता है जैसे फायरिंग हो रही है। आवाम इससे खौफ और आस का शिकार हो रही है, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? गलत चीज है जो कि नहीं होनी चाहिए। CCPO लाहौर को इसके बारे में कोई एक्शन लेना चाहिए, वार्डन्स को कहना चाहिए कि जहाँ होंडा ऐसी हरकत करता है, बंदा नजर आता है उस पर चालान करें, उसका उसको उस वायलेशन का पता लगना चाहिए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सुहेल चौधरी का कहना है कि ट्रैफिक वार्डन को हदायत जारी कर दी गई है कि जहाँ भी ऐसे मोटरसाइकिल सवार नजर आए उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए। वार्डन्स को और ट्रैफिक पुलिस को ये सख्ती से इंस्ट्रक्शंस पास की गई है कि ऐसा कोई भी मोटरसाइकिल वो देखते हैं तो उसके खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई करें। मंचलों की ये शाहकार मोटरसाइकिलें अगर एक तरफ आम शहरियों का जीना हराम कर चुकी हैं, तो दूसरी तरफ जराइम पेशा अफराद भी इनसे खूब फायदा उठा रहे हैं। जिसका दिल चाहता है फायरिंग शुरू कर देता है और किसी को पता ही नहीं चलता। फान मलिक, सिटी 42।